कैफे चलें? आज हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, वो भी ऐसे गाड़ी में। कैफे चलते हैं। देखो, मैं तुमसे ऐसे पब्लिक प्लेसेस पर और नहीं मिल सकता हूँ। तुमको जो बात करनी है यहीं करो। क्या हुआ ऋत्विक? जब से मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, तुम मेरे से डिस्टेंस क्यों मेंटेन करने लग गए हो? थोड़ा बिजी था। बिजी थे? ऐसा भी क्या बिजी थे कि तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि मुझे एक टेक्स्ट कर दो? मैं ऐसे चेहरे के साथ शादी नहीं कर सकता। अरे फ्रेंड्स है, फैमिली है, और मेरे घर वालों ने मेरे लिए सुंदर लड़की ढूंढी है। अरेंज मैरिज कर रहा हूं मैं। और प्लीज आज के बाद ना मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। कांटेक्ट करने की कोशिश ना करूं? इस 5 साल के रिलेशनशिप में मैंने क्या कुछ नहीं किया ऋत्विक? मुझ पर एसिड अटैक हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? यार ये ड्रामा क्रिएट करना ना बंद करो। प्लीज गाड़ी से नीचे उतरो। देखो ऋत्विक सुनो, प्लीज गाड़ी से उतरो पहले। मेरे पापा के अकाउंट में 5 लाख ट्रांसफर कर दिए तुमने? तुमने फिर पैसे की बात शुरू कर दी? ऐसा है, मेरे पास अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने को नहीं बचा है। जब से शादी हुई है तुमने मुझे और मेरे परिवार वालों को डरा धमका कर मुझसे सारे पैसे ले लिए। अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने को। ड्रामा बंद करो अपना, चुपचाप से पैसे ट्रांसफर कर दो, वरना तुम पे दहेज लेने का ना फेक एलिगेशन लगा दूंगी। क्या? पर मैंने तो शादी में कोई दहेज लिया ही नहीं। लेकिन पुलिस को कैसे प्रूफ करोगे? अगर मैं पुलिस को कहूं कि तुम डेली शराब पी के मेरे साथ मार पीट करते हो तो? ये क्या बकवास करे जा रही हो? अरे मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया है और क्या नहीं है तो पुलिस को एक्सप्लेन करना। आज शाम तक ना मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना पूरी लाइफ जेल में काटोगे, याद रखो। ऐसा है, बहुत हो गया अब तुम्हारा। मेरे पास अब तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने को नहीं बचा है। तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ठीक है। सर मेरी बात तो सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, ये उसने फंसाया मुझे। सर मैं आपको बता दूँ सर, मेरी बात सुनिए सर। भाई साहब, ये आर त्रिपाठी जी का चैम्बर यही है क्या? दिस वे। थैंक यू। मे आई कम इन? कम इन। ऋतु? ऋत्विक तुम आओ बैठो। तुम लॉयर बन गई? लाइफ में उस इंसिडेंट के बाद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर लाइफ में कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, इसलिए लॉ की स्टडी करी और लॉयर बन गई। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें छोड़ने के बाद जिस सुंदर चेहरे के लिए मैंने जिस लड़की से शादी की थी, उसने मुझ पर मार पिटाई के फेक एलिगेशंस लगा दिए।
और मम्मी पापा पर डाउरी के और 2 करोड़ रुपए मांगे एलिमनी में। हफ्ते भर पहले पुलिस घर पर आई और मुझे पकड़कर बाहर ले गई। जैसे तैसे बेल कराकर बाहर आया तो डिफेंस लॉयर की जरूरत पड़ी, इसलिए यहाँ आ गया। यहाँ आया तो तुम मिल गई। खैर मैं चलता हूँ। तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम क्यों ही मेरा केस लड़ोगी? रुको रितु, बैठो। तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी हुआ वो सब पुरानी बातें, और मैं पुरानी बातों को रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हारा केस लड़ूंगी। सच? थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।